अहम घटना वापरी हैगी पंजाब के इतिहास के किमें महसूस करते हो जो थोड़ा पता लगे भी हूँ तुम सी एम के बेटे हो। देखो ये तो बहुत सारे लिए खुशी वाली गल है कि एक आजाम इंसान अज एडे बड़े अहदे ते बैठा है ते बेटे होना तो मैं तो उन्होंने सदा बेटा ही रहूँगा चाहे वह सी एम रहन चाहे नहीं बिलकुल ठीक है क्योंकि देख सकते हो एक एम सी तो सफर शुरू हो ते ओ पलटा दिता है हुण सी एम दे विच ते उहदे विच तुसीं की मेहनत देखदे हो ते किवें दा तुहानूं महसूस हो रहा। देखो मेहनत उहनां दी शुरू तो ही है 1992 च पहला एम सी बने दो बार फिर दो बार तीन बारी प्रधान रहे फिर उन्होंने आजाद इलैक्शन लड़ी जीती फिर कांग्रेस की दो बार टिकट तो जीती तो उन्होंने सदा ही लोगों लिए काम करते रहे अपना 100% लोगों देते रहे हल्के की डिवेलपमेंट ली जितों जितों खड़े उन्होंने अपने हल्के की डिवेलपमेंट की ईमानदारी दिखाई सब तो ज़्यादा लोग उन्होंने हम्बलनैस से ईमानदारी से अच्छ साढ़े नाल जुड़े तो शायद सानूं उहदा ही अज रिजल्ट मिला। नवदीप जी तुसीं हमेशा हर एक इलैक्शन दे विच चाहे किसी तरह का भी सीगा अपने फादर साहब के नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के खड़े हैं तो थानू अज तुसीं की सोचते हो कि भी 18 निकाती प्रोग्राम हैगा कांग्रेस का जो दिता होया कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां नूं कि थोड़े को 90 दिन है कि फादर साहब की योग्यता तो तुसीं की महसूस करते हो भी उन्होंने योग्यता से सानूं पूरा विश्वास है विश्वास वो हार्डवर्कर ने ईमानदार ने ते तुसीं उन्हां नूं सवेरे तो लैके रात तक देखोगे सिर्फ लोगों ही रहने मैनूं लगता है यह जो सी एम मंत्री कोई पहला आया जिहड़ा हमेशा ही लोगों च रहे तो असी लोगों ही रह के काम करना है तो असी जिहड़ा सानूं पार्टी ने दिता है जिन्हें भी 18 निकाती प्रोग्राम दिते हैं जो असं उन्होंने पूरा खरे उतरन की कोशिश करा पूरे मेहरबानी लोगों खरड़ के लोगों खासकर खरड़ शहर तो ने उन्होंने वास्ते की तुम संदेश देने उन्होंने बेटे खरड़ की बहुत बड़ी जित है क्योंकि खरड़ ही दे लोग सानू सब तो पहला आजाद जो जितते हैं उन्होंने इत्थे दे काम जाके उत्थे चमकौर साहब के लोगों को दसे क्योंकि आजाद जितना सब तो पता है बहुत औखा है असीं किहड़े भी पिंड जाइए उत्थे खरड़ का बंदा पहला खड़ा हुंदा सी अपने बंदे लैके अज उन्हां लोगों की जित है जिन्हां जिहड़ा उन्होंने उस टाइम वोटा लाया सी अज ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਰੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਖਰੜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਰੜ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।